जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं जस्ट किटिंग। दोस्तों इस तरफ का जो टेटस आपने अभी देखा है, उस तरफ का टेटस आप लोग किस तरफ से बनाएंगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए दो ऐप्स का जरूरत है, जो है पिक्सल लैब और एक है कर्न मास्टर। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उधर जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले मैं पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको इस तरफ का एक इंटरफेस आएगा, तो आपको क्या करना है, इस तरफ को स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको ये जो व्हाइट वाला जो थंबनेल है, इसको चूज कर लेना है। चूज करने के बाद इधर थ्री जो बटन दिखाई दे रहा है, इधर टैप कर लेना है। इसके बाद इमेज साइज पे टैप कर लेना है, ठीक है। टैप करने के बाद आपको इधर टैप करके आपको चूज कर लेना है यूट्यूब थंबनेल। इसके बाद ओके पे टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद आपको इधर टैप करके ये वाला जो लोगो दिखाई दे रहा है, इधर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद सेप्स में जाना है, ठीक है। सेप्स में जाने के बाद आपको ये जो सेप्स है, इस तरफ का कुछ है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए आपका फोटो जितना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सेप्स नहीं आ रहा है, तो आपको इधर टैप करना है। टैप करने के बाद आपका जो मर्जी सेप्स है, मैं इस चतुर्भुज वाले जो सेप्स है इसको मैं चूज करूंगा, ठीक है। तो आपको जो दिखाया था फोटो में, इस तरफ का सेप्स आपको चूज कर लेना है। थोड़ा सा इसको लंबा कर दीजिए, इसको इस तरफ से बैठा दीजिए, ठीक है। इसके बाद इधर आपको राइट वाले जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इधर टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद आपको इस तरफ से स्क्रोल करना है। स्क्रोल करने के बाद आपको इधर जाना है शैडो पे, ठीक है। ये जो शैडो दिखाई दे रहा है ना, इधर शैडो पे टैप करना है। टैप करने के बाद इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपका ब्लैक कलर चूज होना चाहिए, ठीक है। ब्लैक कलर चूज होने के बाद इसको जो 10 है इसको थोड़ा सा बढ़ा दे दीजिए, ठीक है। इस तरफ से 17-18 कर दीजिए। इसके बाद इधर राइट चिन्ह जो दिखाई दे रहा है, इधर टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद इसको थोड़ा सा इधर जो दिखाई दे रहा है ना, इधर जो एक जो लोगो दिखाई दे रहा है, इधर टैप करके आप थोड़ा सा इसको हिला दीजिए इस तरफ से, ठीक है। इस तरफ से इसको हिला दीजिए, थोड़ा सा हिला दीजिए आपका मर्जी से, ठीक है। मैं आपको एक प्रोसेस दिखा रहा हूँ, सिर्फ आपका मर्जी से काम करिए, ठीक है। हम जिस तरफ से कर रहे हैं, इस तरफ से आपको मन चाहे तो करिए, नहीं तो आपको आपका मर्जी से करिए, ठीक है। तो आपका पसंदीदा एक बन जाएगा। मैं आपको सिर्फ प्रोसेस दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, नाम लिख लेना है। इधर ऐड प्लस वाले जो ऑप्शन है, प्लस वाले ऑप्शन में जाइए, टेक्स्ट जो ऑप्शन है उसको चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद इधर डबल टैप करिए टेक्स्ट के ऊपर में। इसके बाद आपका मर्जी से एक आपका लाभार का नाम लिख सकते हैं, जो कोई भी नाम लिख सकते हैं, एक प्यारा सा, एक अच्छा सा करके आपका नाम लिखना है, ठीक है। मैं नाम लिखता हूँ दोस्तों, मैं लिख लिया हूँ आई लव, ठीक है। इसके बाद दूसरा एक बार मैं टेक्स्ट भी लूँगा। इसके बाद पहले इसको कंट्रोल कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको ए वाले ऑप्शन में जाना है। जाने के बाद आपको इधर स्क्रॉल करना है। इसके बाद आपको फॉन्ट में जाना है। फॉन्ट में जाने के बाद आपको कोई भी एक फॉन्ट अच्छा खासा चूज कर लीजिए। मैं माइंड फॉन्ट में जाके कोई भी एक फॉन्ट चूज कर लेता हूँ। आपका फॉन्ट में इस तरफ का जो फॉन्ट अच्छा खासा फॉन्ट नहीं है, तो आप किस तरफ से फॉन्ट ऐड करेंगे मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उधर जाके भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक फॉन्ट लेता हूँ, तो ये वाला फॉन्ट मैं चूज कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद ओके कर देता हूँ और इसका जो साइज है थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इधर टी वाले ऑप्शन में टैप करके थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसके बाद आप इसका जो कलर है मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है, इस तरफ से कुछ। इसके बाद ओके कर देता हूँ। इसके बाद फिर से मैं ऐड कर लेता हूँ, ऐड टेक्स्ट। इसके बाद फिर से मैं डबल टैप करके इधर कुछ लिख लेता हूँ। तो आपका गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड का नाम लिख लीजिए, ठीक है। तो मैं इधर एक म्यूजिक जो ऐड किया हूँ, उस म्यूजिक मेरा अच्छा लगता है, इसलिए मैं लिखूँगा आई लव दिस म्यूजिक। दोस्तों मैं लिख लिया हूँ। इसके बाद ओके पे टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद फिर से इसको इधर बैठा दीजिए। इसके बाद फिर से आपको एक अच्छा खासा फॉन्ट दे देना है। मैं फॉन्ट में जाके एक फॉन्ट दे देता हूँ, माई फॉन्ट सेक्शन में जाके
तो ये अच्छा खासा फोन, इस ये जो फोन है मैं दे देता हूँ। हाँ ठीक है, इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये वाला जो डबल टी वाला जो ऑप्शन है साइज, इधर जाके थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा पर, इसको थोड़ा सा इधर, ठीक है, इसको बड़ा कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इधर जो लोगो दिखाई दे रहा है इधर टैप करके, आपको सेव इमेज करके, आपको इधर टैप करके अल्ट्रा चूज कर लेना है। ठीक है, आपका मर्जी से इधर चूज कर सकते हैं, मैं अल्ट्रा ही चूज करूंगा इसलिए हाई क्वालिटी का सेव। इसके बाद सेव टू गैलरी कर लेना है। ठीक है, ये गैलरी में सेव हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। दोस्तों काइन मास्टर को मैं ओपन कर लिया हूँ। इसके बाद आपको प्लस वाले ऑप्शन में टैप करके 16:9 जो नौ जो रेशियो है उसको चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपको क्या करना है, मीडिया में जाना है, आपने जो फोटो ऐड किया था उस फोटो को, जो फोटो पिक्सेल लैब में एडिट किया था उस फोटो को आपको लेके आना है। ठीक है, इधर इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपका मर्जी से इसको बड़ा कर दीजिए। बड़ा करने के बाद आपको इसके बाद लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है। जाने के बाद आपका पसंदीदा एक फ़ोटो आपका गर्लफ्रेंड का हो सके, आपका आपका और आपका गर्लफ्रेंड का दोनों का कोई भी एक फ़ोटो, अच्छा खासा एक फ़ोटो, आप कोई भी एक फ़ोटो दे सकते हैं आपका मर्जी से। ठीक है, मैं एक फ़ोटो दे देता हूँ। तो ये वाला फ़ोटो, तो दोस्तों देख सकते हैं ये वाला फ़ोटो मैं ले लिया हूँ। ये वाला फ़ोटो आपको चाहिए तो मैं भी इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उधर जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके इसको आपको क्या करना है, बड़ा कर लेना है, आपका वीडियो जितना बड़ा है इसको बड़ा कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इसको छोटा करके इसको इधर इधर थोड़ा सा घुमा के इसको बैठाना है। ठीक है, इसको बैठा दीजिए इस तरफ से, इसको बैठा देना है थोड़ा सा छोटा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने से पहले आपको ये जो फेस दिखाई दे रहा है इधर टैप करके इसका फेस कमा देना है, इसलिए आप लोग समझ सके जो कितना क्रॉप करना है। इसके बाद उसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद फिर से ये वाला फोटो वाला जो लेयर है इसको चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद इसको ठीक करके बैठा दीजिए इस टाइम में। ठीक है, मैं इसको बैठा देता हूँ ठीक करके। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये जो क्रॉप वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है क्रॉपिंग में टैप करना है। टैप करने के बाद आपको इसको आपका मर्जी से इसको क्रॉप कर लेना है। ठीक है, मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। इसके बाद इधर आपको राइट चिन्ह में दे देना है। इसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद इस वाले फिर से इस वाले लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको फेच में जाना है। जाने के बाद इसको फिर से कर दीजिए 100%। ठीक है, तो देख सकते हैं आपका, मैं बहुत स्पीड से कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा स्लो करके धीरे से देख के करना। ठीक है यार, मैं थोड़ा सा इसको घुमा देता हूँ ठीक करके। ठीक है, तो देख सकते हैं मेरा ये बैठ गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको कर लेना है डुप्लीकेट। इस वाले फोटो वाले लेयर को टैप करके इधर जो थ्री डॉट है टैप कर देना। टैप करने के बाद इधर आपको दिखाएगा डुप्लीकेट, डुप्लीकेट कर लेना है। करने के बाद आपको ये जो पहला वाला जो था, पहला वालों को चूज करके आपको कर देना है, आपको जाना है कलर फिल्टर में। ठीक है, ये जो कलर फिल्टर दिखाई दे रहा है इधर जाना है। जाने के बाद मोनोक्रोमा में जाना है। जाने के बाद आपको M02 जो दिखाई दे रहा है ये वाला जो है ना, इसको चूज कर लीजिए। ओके, चूज करने के बाद ओके पे टैप कर दीजिए। इसके बाद ये वाला जो लेयर है इसको आपको क्या करना है, ये जो ओवर ऑल एनिमेशन में जाना है। जाने के बाद आपको पुश जो ऑप्शन है इसको ऑन कर देना है। ठीक है, आपका ये नहीं हो रहा है, मेरा फ़ोन में ये नहीं हो रहा है, तो आपको दिखाता हूँ किस तरफ से करना है। इसको कर देना है, इसको जो इसको सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसको करके आपको बैक टू बिगिन टू फोन कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको टैप कर दीजिए।
देख सकते हैं आप इस टाइम में हो रहा है, ठीक है। सेकंड वाला जो रेयर है इसको इधर टैप करके आपको थ्री डॉट पे टैप करके बिगिन टू फाउंड कर देना है, ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है। तो फाउंड कर देने के बाद आपको हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद मैं कुछ आपको चैनल बार का जो थंबनेल है वो दूंगा, इस तरह आपके जो लाभ आपको पास से जाएगा वो मैं दे दूंगा, उधर जाके आप लोग डिस्क्रिप्शन में है वो डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं पहले आपको वो ऐड करके दिखाता हूँ, ये वाला जो लाभ है इसको मैं ऐड कर देता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको क्रॉप कर लेना है, ये जो क्रॉप वाला ऑप्शन है क्रॉप कर, आपको थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है। मैं पहले इसको क्रॉप कर लेता हूँ, क्रॉप करने के बाद आपको ओके कर देना है। इसके बाद फिर से इसको सिलेक्ट करके आपको इस फोटो के अंदर फोटो के जैसा आपको बैठा देना है, ठीक है। मैं बैठा देता हूँ, दोस्तों इसको थोड़ा सा भी क्रॉप करना पड़ेगा और भी थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, तो मैं इसलिए इसको छोटा और भी कर देता हूँ। इसके बाद ओके पे टैप कर देता हूँ, दोस्तों मैं इसको बैठा दिया हूँ। बैठा देने के बाद फिर से इस वाले जो जो हमने लाभ का जो लोगो लेके आया है इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इधर आपको स्क्रॉल अप करके डाउन करके इधर आपको क्रोमा की में जाना है। क्रोमा की में जाने के बाद इसको ऑन कर देना है। इसके बाद ये जो कलर है इसको कलर को आपको कर देना है ब्लैक, इस ब्लैक वाले कलर को चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपको इधर ये जो है इसको थोड़ा सा कम कर देना है, इसको जीरो कर देना है और इसको 50 कर दीजिए, 50 और 51 इस तरफ का कर दीजिए। करने के बाद इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद फिर से आपको ये वाला लेयर जो है सिलेक्ट करना है। इसके बाद म्यूजिक में जाना है, इसका जो म्यूजिक है आप रख सकते हैं नहीं तो इसको जीरो कर सकते हैं। इसके बाद आप खुद भी म्यूजिक ऐड कर सकते हैं इधर से, ये जो म्यूजिक वाला ऑप्शन है, ठीक है, फाइल में जा लेके जाएगा आपको, आपका कोई भी एक अच्छा खासा म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसका भी एक म्यूजिक है, आप लोग ये भी म्यूजिक रख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, एक बार इसको प्ले करके देख लीजिए, ठीक है, कुछ इस तरह आपका हो रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, और भी अलग से कुछ लगने के लिए आपको फिर से लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। जाने के बाद मैं ये भी आपको फाइल दे दूंगा, ठीक है, इसको आपको लेके आना है। लेके आने के बाद इसको मेरे को जो लेके आना है, जो लेना है इस वीडियो में ये वाला जो, ठीक है, थंबनेल, ठीक है, इसको आपको क्या करना है क्रॉप कर लेना है। मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ पहले, ठीक है, तो पहले मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ छोटा करके। इसके बाद इधर राइट चिन्ह पर टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले जो लेयर है इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है ब्लीडिंग, ब्लीडिंग में जाने के बाद आपको जाना है स्किन पे। स्किन पे जाने के बाद पहले आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा इधर बैठा दीजिए। इसके बाद इसका हिसाब से इसको थोड़ा सा हिला दीजिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। इसके बाद इधर बैठा दीजिए, तो बैठा देने के बाद आपको इधर दिखाता हूँ ब्लीडिंग में स्किन कर देना है, उसको 100% रख दीजिए। रखने के बाद फिर से एक बार प्ले करके आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये जो है चल रहा है, ठीक है, तो ये अच्छा लग रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये और भी प्यारा लगने के लिए आपका जो टेटस है बना रहे हैं, तो इसको ये जो लाभ वाले जो लेयर है इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है एडजस्टमेंट पे, ठीक है, एडजस्टमेंट पे इधर जाने के बाद आपको इसको जो है इसको कम कर देना है, ठीक है। इसका जो कलर है ब्लैक हो जाएगा, देख सकते हैं, ये देखिए ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा लग रहा है, अच्छा सा लग रहा है, आपका जो टेटस है बहुत प्रीमियम क्वालिटी का बन गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका इधर जाके तो म्यूजिक ऐड कर, आपका मर्जी से म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसका भी म्यूजिक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आप कुछ भी और एक्स्ट्रा लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, इधर जो प्लस वाले ऑप्शन में जाके टेक्स्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इधर जो आप लोग जो अच्छा खासा जो एडिटिंग वाला जो पाता जो रहते हैं, ठीक है, वो जो देंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको क्या मिलेगा, किधर मिलेगा, इधर आपको लेयर में जाना है, उसके बाद ओवर रिले में जाना है, ये वाला जो ऑप्शन, ठीक है, इधर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको आपका ऐप में डाउनलोड नहीं है तो आपको
ठीक है, क्लासिक जो इधर क्लासिक सॉरी क्लासिक नहीं है, मोर स्टोर में जाना है, गेट मोर इधर जाना है। जाने के बाद आपको इस तरफ का मेरा नेट ऑफ है, इस तरफ का एक ओपन होगा, तब आपको ये वाला जो फाइल है ना दिखाई देगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला जो फाइल है, ठीक है ठीक है वो क्या, ये वाला जो फाइल है ये वाला दिखाई देगा। तो इस तरफ का जो फाइल है, मैं ये जो ठीक है स्टिकर है, मैं इसको ले लेता हूँ। लेने के बाद आपको आपका मर्जी से इधर बैठा दीजिए, ठीक है। इसके बाद इसको बड़ा कर दीजिए, ठीक है। तो मैं इसको बड़ा कर दिया हूँ, बड़ा करने के बाद इसको थोड़ा सा फेज कमाना है तो कमा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरफ से कम कर दीजिए, कम करने के बाद आप प्ले करके देखिए, आपका जो टेटस है पूरा बन के रेडी है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाले एक्सपर्ट ऑप्शन में जाके आपका मर्जी से इसको फिर से इस वाले फाइल को सिलेक्ट करके शेयर वाले ऑप्शन में जाना है। जाने के बाद आपको एच डी भी रख सकता है, कोई भी एक ऑप्शन को चूज करके इधर एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में है, एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरा बहुत छोटा है आप लोगों के पास रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रिक्वेस्ट करता हूँ। अच्छा रहिए, खुद का ध्यान रखिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।